प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कहानी कुछ और हो गई है, अब तो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें ट्रेड करनी है। किससे? इंडिया से सर, और किससे? क्या मतलब है किससे? आलू टमाटर लेंगे। अभी आपसे बात करूं, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज बारिश है, और कहा ये जा रहा है गेहूं या गंदम की फसल जो है वो दोनों जगह, कल मुझे रोहित ने भी बताया था वहां पर भी है, तो वो काफी खराब हो गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड, जब तक मोदी जी हैं, ट्रेड तो भूल जाओ, हम तो आपकी तरफ बात भी करना पसंद नहीं करते। जो लाइन लून पड़ी हुई थी कोई फोन की, वो भी काट दी है मोदी जी ने कि भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो इसलिए वो तो भूल जाओ कि कोई ट्रेड होगा। हाँ देखो, ऐसा है, आपके पास आलू आलू के जो है ना, आपके लिए तो आलू भी आलू आलू के न्यूक्लियर बम होते हैं, इसलिए आपके आलू की डेफिनेशन भी बड़ी डिफरेंट है। हम उस गेम में पढ़ना नहीं चाहते, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है आपको हमारे से। कल तो कुछ और कह रहे थे यार, कल तो मेरी मोदी जी से बात हुई है, मेरी मोदी जी से कल फोन पे बात हुई है, वो कह रहे थे एक बार प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाऊं फिर मैं सोचूंगा, हो सकता है बात कर भी लूं। तो अगर हाँ, ऐसा हो गया तो ये क्लिप संभाल के रख लिएगा कि मैंने बताया है कि मोदी जी से मेरे फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर लेंगे। आपसे बात करने के बाद मेरे से बात हुई थी, मुझे भी बताया उन्होंने कि इनको चूरन खाने की आदत है, मैंने भी चूरन दे दिया। कहते आरजू है वैसे भी भेजा फ्राई रहता उसका, मैंने भी भेजा फ्राई कर दिया कि बैठा करती रहे। आप भी ये क्लिप संभाल के रख लेना, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये वाला क्लिप भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने आपको चूरन दे दिया, और आप तो वैसे ही चूरन लेके बड़े खुश रहते हैं, 75 साल चूरन भी निकाल दिए। सही बात है सर, लेकिन बड़ी सही बात है, और वाकई में एक क्लिप हम संभाल के रखेंगे, हमारी ऑडियंस भी संभाल के रखेगी, बल्कि हमसे ज्यादा ऑडियंस संभाल के रखेगी। पता नहीं कौन कौन से क्लिप लोग लगा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, पॉपुलर इतने क्या बताएगी भाई, जो भी चीज करते हैं जो सोच समझ के भी की होती है वो भी पॉपुलर हो जाती है, तो यही होता है बड़े बड़े चीजों लोगों का, पॉपुलर होने का यही फायदा होता है। लेकिन जो बाइडेन की भी कॉल आ गई मुबारकबाद की, इमरान खान को तो वो फोन ही नहीं कर रहे थे, इमरान खान का कोई फोन नहीं उठा रहे थे, और मोदी जी का फोन इमरान खान नहीं उठा रहे थे, अजीब चक्कर चल रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो बाइडेन ने कॉल कर दी है तो मतलब कोई शाबाशी देने के लिए की है, या ये कहने के लिए किया है कि वो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बंद करो, मत करो काम उस पर? देखिए, वो एक बड़ा छोटा सा मैटर है कि आपकी पाइपलाइन का, उनको पता है कि पाइपलाइन में से निकलना कुछ नहीं, रेत ही निकलनी है, ठीक है, ये पाइपलाइन पूरी होनी नहीं, ये तो ऐसी है जो जो जितना मर्जी पाकिस्तान कोशिश करता रहे। तो भाई बात सोच के देखो, सी पैक पैसा किसका लगाओ? चाइना का। वो पूरा नहीं कर पाए आप, या करने नहीं दिया, क्योंकि डेवलपमेंट से आपको ऐसी नफरत है कि डेवलपमेंट और हमारे यहाँ, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि कई लोग होते हैं गधों पे आते हैं, गधों पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं यार सड़क बन जाएगी तो गधा कहाँ चलेगा, तो इसे गधे को भी प्रॉब्लम आती है ना उससे। लेकिन तो सर, इस 10 साल में किया क्या है सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन 10 साल में आपके ख्याल से सीपैक में चाइना ने क्या किया? वैसे भी चाइना को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं जो चाइना में रहते हैं, बजाय इसके जो लोग चाइना में नहीं रहते और वो चाइनीज एक्सपर्ट चाइना के एक्सपर्ट बनते हैं, उनके मुकाबले में आपको चाइना का ज्यादा पता है। आप वो टमाटर खा रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर भी खाइए साथ साथ, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि चाइना में क्या बात होती है, कोई चाइना में कोई बात होती है कि सीपैक को लेकर या नहीं? देखिए, चाइना का बड़ा प्लान बड़ा क्लियर है, मैं आपको एक्चुअल एंड बिहाइंड द सीन दोनों चीज समझा सकता हूं, अगर आपको समझ आ जाए। पहली बात, चाइना ने पाकिस्तान को ये देखा कि भाई पाकिस्तान मेरे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, भारत से दुश्मनी है, भारत के बिल्कुल साथ में है, कभी भी भारत को तंग करना पड़ेगा मैं पाकिस्तान को यूज कर सकता हूं, ये यूज है पाकिस्तान का चाइना के लिए। दूसरा, जो ग्वादर है वो एक अल्टरनेट रूट बनता है तेल जाने के लिए फॉर चाइना, तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण उन्होंने इस सीपैक में इन्वेस्ट किया, चाइना ने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने तो एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें से भी 20-25% घूस खा गए, जिसको हम रिश्वत बोलते हैं, जो आपको बड़े अच्छी तरह से समझ आती होगी। तो वो जो पाकिस्तान है उन्होंने पैसे बनाए, चाइना ने इन्वेस्ट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए,
और कुछ भी नहीं था। दूसरा, आपको क्या लगता है चाइनीज इतने बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान का डीएनए कैसा है? दे न्यू इट, और इसीलिए उन्होंने सीपैक में पैसा भी लगाया। उसका रीजन बता दूं क्या है। अब आप देखिए बीआरआई, इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्राइब के पहले तीन वर्ड भी बीआरआई ही होते हैं। तो ये ब्राइब वाला ही प्रोजेक्ट है, और जिस जिस कंट्री में आपके जैसे महान जो होते हैं ना वहां पे हुक्मरान पैसे खाने वाले, जहां जहां मिलते हैं चाइना वहीं पर जाकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि बीआरआई का मतलब है ब्राइब। ब्राइब बी देखिए पक्का ही है कि जो जो सुनिए, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां पर भी लोग जो जो हुक्मरान थे पैसे खाने के लिए रेडी थे, वहीं वहीं बीआरआई गया। और चाइना का कहीं भी प्रोजेक्ट को पूरा करने का कभी भी प्लान था ही नहीं। रीजन बिंग, अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसमें से इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, अब चाइना के पैसे वापस करने शुरू कर देंगे। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज आपको नीचे लगा के रखना है ताकि प्रोजेक्ट पूरा ना हो, आप उस बोझ के नीचे इतना दब जाएं कि आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। अब चाइना के अंदर 66 कंट्रीज हैं जो बीआरआई के अंदर हैं, सारी दबी हुई हैं, पैसे पूरे नहीं कर पा रही। हुआ क्या, आपके कुछ हाईवेज थे, चाहे दो तीन तो हाईवेज थे और दो तीन एयरपोर्ट थे, एक आधा कोई पोर्ट था, सब आपने गिरवी रख दिया है चाइना के नाम पर, और 100-100 साल की लीज है। आप सोच सकती हैं आपकी सॉवरेनिटी चाइना ने खत्म कर दी, और यही पर्पस था बीआरआई का। उन्होंने अपना पर्पस पूरा कर लिया और आपके हुक्मरानों का पर्पस था उनका पूरा हो गया। तो दोनों की देखें सर, करप्शन की आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, हमारे तो करप्शन तो हर कंट्री में होती है, हमारी यहाँ थोड़ी सी ज्यादा होती है, दिखाई ज्यादा देती है, हम शोर ज्यादा मचाते हैं, हर जगह होती है, लोग इतना शोर नहीं मचाते, मीडिया भी नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कहता। दूसरा, आपसे किसने कह दिया कि हम इनका जो हमने लोन लिया हम वापस करने का सोच रहे हैं? हम जिससे भी लोन लेते हैं हम वापस करने का नहीं सोचते, वो असल में सोचना होता है सर, उसने सोचना होता है जिसने लोन दिया होता है कि मैंने दे तो दिए, मेरे पैसे तो फंस गए, अब मैंने वापस कैसे लेने, वो काम भी वही बेचारा खुद ही करता है। फिर वो कहते हैं एयरपोर्ट दे दो, ये दे दो, तो भाई ले लो हमसे, तो वैसे भी एयरपोर्ट हमसे पीआईए नहीं चल रही सर, हम पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, कोई हमसे पीआईए ले ले। तो थैंक्स टू ये मामू, ये पीछे जो ये खड़े हैं खंबे से खड़े हैं पीछे, जो आपके स्टैंड खड़ा है वो भी पीआई का कोलों को प्लेन में से नीचे से जो कार्गो में होता है वो निकाल के अपने पीछे लगाया हुआ है। आपको क्या पता है, आपकी मैंने एक दिन वीडियो देखी थी, विंडो थी वो भी प्लेन की, जो विंडो होती है वो लगी आपके घर में। आप क्या बात कर रही है, आपके मामू ने हर चीज निकाल निकाल के आपके घर में लगाई हुई है। तो पीआई का तो ये हाल बोल था, वो तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ थोड़ी बताना था ना, मामू भी शो देखते हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे खानदान में से निकलवाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि मुझे ये बताए चाइना चाबहार पोर्ट से तो नहीं डरा हुआ कि चाबहार के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया काम कर रहे हैं? देखिए चाइना हमेशा ही घबराता है कि चाइना की घबराहट क्या है, घबराहट है कि पूरी दुनिया में जैसे अमेरिका का दबदबा एक बना हुआ है, वो अब स्पेस जो कम हो रही है सारी की सारी चाइना लेना चाहता है अपने कब्जे में। कि जैसे अमेरिका पहले था दादा ऑफ द वर्ल्ड, चाइना चाहता है दादा ऑफ द वर्ल्ड, अब आगे चाइना बनना चाहिए। और वहां पर जब वो देखते हैं कि मोदी जैसा आदमी जहां जाता है वहीं पर दोस्ती कर लेता है, पोर्ट ले लेता है, वही ग्रीस में पोर्ट ले लिया हमने, हमने यहां पर ले लिया, ईरान में ले लिया, जो कि इम्पॉसिबल एक चीज मानी जाती थी। चाइना को लगता था कि मैं पैसे फेंकूंगा काम कर लूंगा, मोदी जी हैं मारवाड़ी हैं, जैन है ना वो भी, उनको होता है कि वो जाते हैं जब भी डालते हैं कान में कुछ बोलते हैं बंदा कहता है ठीक है जी पोर्ट ले लो। तो चाइना कहता है मैं पैसे लेके भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये जब भी से काम कर लेते हैं तो थोड़ी सी घबराहट तो बनती है, और होता भी ऐसे ही है। देखिए अर्जुन जी, जैसे आप है, आप कहीं भी पैसे लगाती नहीं है भी, जैसे इंडियन एम्बेसी में फोन कर दिया, वहां पे फ्री में खाना मिल गया, आप चली गई। तो अब जो लोग कमा के मेहनत करके खाना कमाते खाते हैं उनको गुस्सा तो आएगा ही, तभी वो ऐसे ऐसे ट्वीट डालते रहते हैं आपके नाम पर, आपको बदनाम करने के लिए, जबकि कोई मतलब बनता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वाकई में फ्री के खाने से याद आया, इस बार तो जी वो जो है होली का फंक्शन भी नहीं हुआ और हमें घर में ही खाना खाना पड़ गया, वरना हमने तो उनको कहा था का जी रमजान चल रहे हैं तो हम खाना पीना नहीं कर सकते, मेरे पैक करके दे दीजिएगा हम घर ले आएंगे, ऐसी क्या टेंशन है। मगर आपकी अम्बेसी वाले भी मौका चाहिए उनको भी देना पैसे बचाने का, तो उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, हो सकता है ईद के बाद कुछ कर दें। लेकिन ये जरूर है कि चाबहार भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम चाहेंगे कि हम जल्दी आपके साथ चाबहार के ऊपर एक तफसीली बात करें और देखें कि उसको किस तरह से जो है दो तीनों कंट्रीज मिल
था कि कई तरफ से ईरान के एम्बेसडर ने शायद कहा था कि जी उसके सी पैक के साथ मिलाकर और दोनों पे काम किया जा सकता है, सिस्टर पोर्ट और इस किस्म की बातें की थी, बट आपके ख्याल से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भारत कभी भी भारत के साथ ब्रदर सिस्टर तो कर ही नहीं सकता। हाँ वैसे कर सकते हैं पंजाबी में आपकी मदर सिस्टर, लेकिन ब्रदर सिस्टर नहीं कर सकते, ये भूल जाओ आप, ये काम नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी चाबहार पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक काफी लोग उस पे भी आपकी राय सुनना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि इधर से सी पैक और उधर से चाबहार तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आज आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन्होंने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान के हालात भी बताए, जो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और चाइनीज इंजीनियर्स पे लगातार हमला हो रहा है और BLA एकदम से वहां एक्टिव हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।